रिश्ते में धोखा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछा करते हैं। जब कोई धोखा दे दे, कोई आपको चीट कर दे, तो क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। बहुत सारे इंटरनेट में कोट्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस देखे होते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि कोई इंसान अगर आपको एक बार धोखा दे सकता है तो उस पर कभी भरोसा मत करो, वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। सही है, बहुत तकी हो सकता है, बट इसने धोखा नहीं दिया है तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो कभी धोखा नहीं देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार धोखा देना और दो बार धोखा देना या चार बार धोखा देना सब एक ही है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी के सिर्फ धोखा देने की फितरत ही, तो उसे माफ़ करना चाहिए या नहीं। देखो, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ रखना चाहते हैं, उसके साथ तोड़ना चाहते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में फंसे रहना चाहते हैं। सबसे टॉक्सिक जो होता है वो यही है कि आप बीच में फंसे हुए, आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते, आप उसके साथ रहना भी नहीं चाहते और रिश्ता तोड़ भी नहीं पा रहे हो। फिर वो मोह की वजह से हो या गुस्से की वजह से हो, कई सारे रिश्ते में मैंने ये भी देखा है कि ज़िंदगी बिता लेते हैं लोग, स्पेशली फीमेल्स, कि मेल ने उसे धोखा दिया और उसे छोड़ कर आकर अपने मायके में आ गई है और पूरी ज़िंदगी बिता दे रही है, और ये भी नहीं कि वो डिवोर्स ले रही है या दे रही है। मैं उसको मुक्त नहीं करूँगी, उसको ऐसे ही जीना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो सजा दे रहे हैं वो सही है या गलत है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ जी, माफ़ करना। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उस नाराज़गी की वजह से कहीं आप खुद को तो सजा नहीं दे रहे हो। आप किसी को, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप ज़िंदगी भर जहर का घूंट पी रहे हो ये सोच के कि वो मरेगा, वो मरे ना मरे लेकिन कष्ट आप झेल रहे हो। मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माफ़ कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि वो सही काम किया था। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही इंसान है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि या तो इस रिश्ते को वापस सुधार लिया जाए, या फिर इसे प्रॉपर सही तरीके से किसी एक जगह पे ख़त्म करके आगे बढ़ लिया जाए। ज़्यादा उचित है सुधार लिया जाए, सुधारने का अगर इतना सा भी चांस है, इतनी सी भी जगह है, तो सुधार लीजिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से इसे लेकर जाना चाहूँगा कि बेटा सोचो ना, रिश्ता बना है शायद 25 साल की उम्र में, और सब कुछ उचित भी रहा तो आप 75 साल और जियोगे, 100 साल की भी ज़िंदगी है मान लेते हैं तो, जो कि पॉसिबल नहीं है आजकल के समय में, तो 80-85-90 साल तक निपट जाते हैं लोग। लेकिन चलो मान लेते हैं 25 साल के रिलेशनशिप में आपका प्रॉब्लम आ गया, आपको धोखा मिल गया, आपके साथ चीट हो गया, आपके आपके दिल पे पत्थर पड़ गया, आपके आज तक के विश्वास को तोड़ दिया गया, आपके विश्वास को चकनाचूर कर दिया गया। लेकिन अगर इस रिश्ते को आप इसी तरह से जहरीला बना के चलना चाहते हो, तो इसमें किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है? सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही है। मानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है, अगर गलत हो गया है मान रहे हो तो फिर अलग हो जाओ, बहुत। लेकिन अलग होने से पहले या कोई सज़ा देने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पहले हील अप हो जाओ, एक स्पेस लो, प्रॉपर हील हो जाओ। खुद को हील करने के लिए आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हो, परमात्मा के शरण में जा सकते हो, ध्यान साधना कर सकते हो, एंटी डिप्रेशन सेमिनार अटेंड कर सकते हो, लोगों का सपोर्ट ले सकते हो, अच्छे दोस्त बना सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, किसी काउंसलर से चर्चा कर सकते हो, जिन्होंने ऐसे कड़वे अनुभव झेले हैं अपनी लाइफ में उनसे चर्चा कर सकते हो, या ऐसे इंसान से जो ज़िंदगी भर अकेले बिता चुका है, ऐसी कोई गलती कर चुका है जो आप करने वाले हो सही जान करके, उनसे बात कर सकते हो। ये सारे तरीके होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि आप जो कर रहे हो वो आपके फ़ायदे में है या नहीं। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समझो इस बात को, मैं सही गलत की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कोई नहीं होता सही और गलत बोलने वाला, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ बेटा कि क्या आपके फ़ायदे में और क्या आपके नुकसान में, ये आप जान के करो। ये नहीं कि गुस्से में आके कराओ, गुस्से में आके करने से सिर्फ आप अपना ही ख़राब करते हो। क्योंकि जो इंसान आपके साथ धोखा किया है उसके पास अपना रीज़न है, उसके पास अपना जस्टिफिकेशन है। यू नो, जो क्रिमिनल्स भी होते हैं, जो आतंकवादी भी होते हैं, उनके पास भी अपना एक सॉलिड और वैलिड रीज़न होता है। जिहाद 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 कह के ऊपर वाले का फरमान बोल के बहुत सारे लोगों को मार देना भी
उनके हिसाब से सही है। तो जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके पीठ पीछे कोई चीटिंग कर दिया, आपके प्यार को नहीं समझ पाया, ख़राब कर दिया, उसके पास भी अपना एक वैलिड रीज़न है और उस रीज़न को आपको समझना होगा, क्योंकि आप तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे, उसका कुछ खास नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह सही ही बना रहेगा। और विक्टिम आप हो, लेकिन विक्टिम जैसा वो फील करने लगेगा। अल्टीमेटली इस रिश्ते को बचा लेना सही है, क्योंकि जो भी उसने किया वो उसका कॉज है, वो उससे कर्म है, वो उससे कर्म बंधन है, लेकिन अब जो आप करोगे वो आपके कर्म है। तो अगर आप इतना सा भी चाहते हो कि रिश्ता बचे, अगर आप ये चाहते हो कि आप उसके साथ रहना चाहते हो, उस इंसान को रखना चाहते हो अपने साथ, तो इस रिश्ते को अपनी मेहनत से, अपने अच्छाई से, अपनी सच्चाई से बचा लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे ख़राब भी कर दिया तो अब आप एक दूसरे रिश्ते में जाओगे ही जाओगे, और अगर नहीं भी जाओगे तो अपनी ज़िंदगी को अकेलेपन में गुजारोगे। हाँ, अगर आप एकाकीपन की तरफ जाना चाहते हो, आप सॉलिट्यूड की तरफ जाना चाहते हो, आप ध्यान साधना समाधि या ब्रह्मचारित्व की तरफ जाना चाहते हो, तो इट्स वेरी गुड कि आप जाओ, लेकिन एकाकीपन उचित है, अकेलापन गलत है। जीवन में बहुत सारे तकलीफें आएंगी जिसे आप अपने अंदर ही पैदा करोगे। इसलिए मेरी राय है कि अगर धोखा हो गया है तो बात करो, सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, और सबसे पहले खुद को हील कर लो। जब हील कर लोगे उसके बाद डिसीजन लो कि छोड़ना है या रखना है। गुस्से में आकर कोई डिसीजन मत लो। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।